ये 1 कप सूजी ली है और ये 1 कप व्हीट फ्लोर है, और इसके अलावा 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालूंगी और ये 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालूंगी। तो ऑयल डाल के मैं ये इसको स्टैंड मिक्सर में अभी गूंद के और फिर मैं इसको रख दूंगी 30 से 40 मिनट रेस्ट के लिए। तो मैं आज जो है ये गोलगप्पों का मैं डो बना रही हूँ गोलगप्पों का, तो इसके लिए व्हीट फ्लोर है और ये सूजी सेमोलिना ली थी मैंने, 1 कप लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालूंगी और 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल के बस मैं इसको नीट करके स्टैंड मिक्सर में और इसको मैं हाफ आवर के लिए रख दूंगी सेट होने के लिए, और फिर मैं इसके गोलगप्पे बनाऊंगी। तो मैं आज पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड बना रही हूँ, आपको मैं फुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और इसके खट्टा पानी या यहाँ इधर इस्लामाबाद में कैसे मिलते हैं गोलगप्पे, 2 तरह के मैं आपको बना के दिखाऊंगी, एक मीठे गोलगप्पे और एक खट्टे गोलगप्पे जो होते हैं, वो बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो मैं अभी ये डो को नीट करके और फिर मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, मैं इसको हाफ आवर के लिए या 1 घंटा 1 आवर के लिए कम अज कम। अच्छा, ये मैंने इमली का पानी, इमली की गुठलियाँ निकाल दी थी और इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑफ क्रश रेड फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑफ क्यूमन पाउडर, क्यूमन सीड्स का पाउडर था वो मैंने ब्राउन उनको हल्का सा रोस्ट करके और फिर मैं पीस लिया था, मैंने ये डाला था। तो ये पानी जो है यहाँ का जो मैंने जैसे पिया है तो वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको, इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी। ये इमली का पानी तैयार हो गया, ये देखें, इसमें मैंने जस्ट सॉल्ट डाला था थोड़ा सा और क्रश रेड फ्लेक्स एंड क्यूमन सीड्स ये डाले थे, ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो बाकी ये सैंपल करके मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये बना लिया था मैंने, जो इमली का पानी है वो तैयार हो गया, मैंने बना लिया था, इसकी गुठलियाँ भी निकाली हैं। अच्छा, आटा जो है अब ये देखें, ये गूंद गया था, वो आटा नीड हो गया था, और ये पेड़ा भी मैं ले रही हूँ। अब इसके अब मैं आपको बताऊंगी अब इसके गोलगप्पे कैसे बनाने हैं। तो ये अभी रोलिंग पिन से आटा है, आटे को अच्छी तरह से एक रोटी बना लेनी है, लंबी सी रोटी, रोटी की तरह। और ये देखें, ये इमली का पल्प मैंने जो है भिगो के और उसके सीड्स निकाल के इसको रखा हुआ था, और इसके अंदर ये मैंने बना लिया था, कैरम सीड्स डाली थी, क्यूमन पाउडर और कैरम सीड्स को भी हल्का सा मैंने पीस लिया था वो डाला था, और क्रश रेड फ्लेक्स और हल्की सी चीनी भी शामिल कर दी थी। और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया है, तो ये खट्टा पानी बन गया था। और ये मैं अब जो है गोलगप्पे का आटा मैंने इसको रेस्ट दिया था 1 आवर के लिए, इसमें सेमोलिना और व्हीट फ्लोर मैंने इसका नीड किया था स्टैंड मिक्सर से। और मैं इस बिस्किट कटर से, ये देखें बिस्किट कटर सामने रखा होगा, बिस्किट कटर जो है बाजार से काफ़ी राउंड शेप का ये मिलता है, और ये मैं दोनों तरह के आज बनाऊंगी, होममेड भी इसका मैंने 1 कप के आटे से, व्हीट फ्लोर से और सेमोलिना से ये होममेड गोलगप्पे बनेंगे, और मैं फिर रेडीमेड, ये एक है पानी पूरी रेडीमेड, ये इस ब्रांड का है, इसमें सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, और मतलब इसमें सेव और वो दिए हुए, इसमें बूंदी भी दी हुई है। आज आपको मैं 2 तरह के बताऊंगी, क्योंकि मैंने तो बाज़ार से ये सुपर मार्केट में एक बहुत ही मशहूर वो है मंचिस के गोलगप्पे, वो कैसे बनाते हैं, तो मैं उसी तरह के बना के दिखाऊंगी जो काफ़ी शुरू से हम लोग खा रहे हैं। तो खट्टे पानी में सिर्फ मैंने क्यूमन पाउडर डाला है, कैरम सीड्स डाले हैं, अजवाइन और क्रश रेड फ्लेक्स और सॉल्ट। और ये देखें, अब इससे ये बिस्किट कटर बाज़ार से मिल जाते हैं, और था, और 2 तरह के आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी गोलगप्पे जो हैं वहाँ उधर से हम खाते थे, पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड आज मैं बनाऊंगी, पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड। तो ये मैं अभी आटा अभी गूंद रही हूँ, तो 2 तरह के मैं बनाऊंगी, एक दही के साथ उसमें डाल के वो देते हैं,
और जिस तरह वो बनाते हैं, जिस तरह खट्टा पानी भी देते हैं और दही से अगर कहो मीठे गोलगप्पे तो वो भी बना के देते हैं। उसमें इन्होंने जो है चिक पीस डाले होते हैं, सॉल्ट होता है, सेव डाली हुई होती है और चाट मसाला ऊपर थोड़ा सा होता है। और ये इस तरह बूंदी बूंदी भी इनके साथ मिली थी इस पैकेट में जो था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें रेडीमेड गोलगप्पे और होममेड गोलगप्पे, इस तरह मैं आज आपको दो दो तरह से दिखाऊंगी गोलगप्पे बनाना। तो ये अभी देखें, ये आटा जो है, ये रोटी जो है, एक बड़ी सी रोटी है, देखें बन जाएगी। और इसमें बिस्किट कटर से काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ये राउंड राउंड शेप के काफ़ी तरह के मार्केट से ये कटर जो है, बिस्किट कटर मिल जाते हैं। तो इससे मैं काटूंगी और फिर इसको कैसे शेप देनी है वो मैं पूरा वो दिखाऊंगी इसको, एक रोटी बेल के। और फिर मैं अब ये देखें, ये अब मैं काट रही हूँ इसके बिस्किट कटर से, अब मैं ये राउंड शेप में ये काट रही हूँ ये सारे। और इसमें से भी जो बचेंगे वो फिर आप दोबारा और के लिए, मतलब ये मैंने 1 कप सेमोलिना ली थी और 1 कप मैंने लिया था व्हीट फ्लोर, तो इससे काफ़ी सारे बन जाएंगे, काफ़ी सारे बन भी गए थे। और ये देखें, बिस्किट कटर से काट लें और जो एक्सेस हो वो निकाल लें और फिर इसको दोबारा से रख दें। अच्छा, इस आटे को ना बहुत ही मतलब उसे गीले कपड़े से आपने ढांक के रखना है इसको, गीले गीले से रहें, थोड़े से खुश्क ना हो बिल्कुल। ये देखिए, ये एक्सेस जो है निकाल दें, ये अभी भी देखें काफ़ी सारे बन गए। तो मैं अभी इसके बाद और भी इसको मैं थोड़ा सा मैं और रोलिंग पिन से इसको करूँगी और फिर मैं इसके बनाऊँगी। और मैं आपको रेडीमेड इस लिफाफे जो इस पैकेट में थे, ये 1 पैकेट था, ये कोई दादी जान कोई वो था, ये मार्केट से मुझे अच्छे मिल गए थे, तो इसे भी बना रही हूँ और मैं ये होममेड भी बना रही हूँ 1 कप व्हीट फ्लोर से। ये देखें, ये इतना सारा। और इसको गीले कपड़े में, इनको भी, ये जो आपने जो राउंड शेप में जो काटे हैं इनको भी आपने गीले कपड़े से ढाक के रखना है और फिर 1 बाय 1 हम तलते रहेंगे। और हल्का सा जो फ्लोर है वो ऊपर इस पे स्प्रिंकल कर लें इसमें ताकि खुश ना हो। और ये मैं फिर अभी आपको तल के भी दिखाती हूँ इसको, इसको बहुत ही फ्राई करने का भी तरीका मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस तरह से इसको फ्राई करना है। और ये देखें, ये एक ही जो रोटी, एक थोड़े से डो से ये 4-5 बन गए, हल्का सा ये इसको रखा है। और फिर मैं अभी आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है ये। और थोड़ा सा मैं अब जो बच गया था मैं उसको फिर वो रख के काट रही हूँ, ये छोटे छोटे 7 से 8 ये जो हैं बन गए हैं ये देखें। और इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इनको कैसे बनाना है इसके, मतलब बहुत ही उससे ये फ्राई। ये पतली सी रोटी बेल लेनी है, फिर इसको काट लेना है। ये देखिए, ये काफी सारे बन जाएंगे इससे। और मेरे पास ये रेडीमेड भी हैं, वो मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और फिर इसको मैं असेंबल करके दिखाऊंगी। ये इसमें, ये देखें, ये इसको मैं अभी और भी पतला करूंगी। काफी सारे मैंने बेल लिए हैं। अच्छा, फिर इसको और पतला करना है आपने, थोड़ा सा और इसको वो कर दें तो ये अच्छे खासे बन जाएंगे, क्योंकि वो पतले होंगे तो ये फिर सही बनेंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे सारों को कर लें ये। ये देखें, ऐसे और पतले हो जाएंगे ये। इसको और पतला कर लें, और ये मैं काफी सारे हो जाएंगे तो मैं तल के आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ।
इनको फ्राई करने का क्या तरीका है। ये बस ज्यादा बड़ा इतना साइज रखें, ये इतना साइज, तो ये हो जाएंगे। अगर मोटे मोटे भी आपसे बिस्किट कटर से होते हैं तो फिर आप इनको एक एक करके इस तरह भी कर सकते हैं। और मैं ये रेडीमेड जो बाजार से आया है, ये कंपनी है अच्छी, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं लाई थी तो मैंने कहा आपको होममेड और रेडीमेड दोनों तरह के मैं बता दूं। ये बना के रख लें, ये इसको थोड़ा सा पहले मैं ये वाले भी बनाऊंगी और दूसरे वाले भी बनाऊंगी जो रेडीमेड थे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये मैंने सूजे के आटे और व्हीट फ्लोर से बनाए थे, ये इतने, ज्यादा बड़े नहीं करने हैं इनको। ये देखें मैंने अभी दो डाले थे और ये देखें अच्छे कैसे, ये मैं रेडीमेड वाले बना रही हूँ। ये देखें इस तरह ये डालते जाना है और ये फूल जाएंगी। अब इसको ऐसे ऐसे दबाना है तो ये फूलते जाएंगी इस तरह, इस चम्मच से ऐसे करके। और ये मैं आप रख रही हूँ, ये इस तरह। मैं एक दो और डाल के बता देती हूँ आपको। ये तीन तीन डाल देती हूँ। ये देखें इनको मैं करूंगी ऐसे तो ये फूलते जाएंगे, ऐसे इनको ऐसे ऐसे करते जाना। ये देखें ये फूलते जाएंगे, ये देखें ये ऐसे फूल रहे हैं, ये इनको दबाते जाना है। कोई एक आदमी नहीं फूलता तो खैर है, काफी सारे हैं अभी इसमें। ये देखें बस ज्यादा वो नहीं करना है, इनको निकाल लेना है किस तरह। ये एक कोई बात नहीं, ये मैंने काफी सारे बन भी गए हैं, अगर एक आध अगर नहीं बना है तो उसको निकाल लें। ये जैसे ये एक है तो कोई बात नहीं, ये उसमें पापड़ी में यूज हो जाते हैं, इसको निकाल देते हैं। और मैं ये देखिए ये दो तीन बन गए, और मैं ये होममेड बना रही हूँ। ये ऐसे ये माशाल्लाह, ये देखें होममेड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये होममेड था आटे से, सूजे के आटे से मैंने बनाया था। और माशाल्लाह ये देखें ये सबसे अच्छा, ये देखें ये माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं तो। ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बन गया। इसको थोड़ा सा आटा गूंदने के बाद ना फिर इसको आप इस तरह डाल लें। और मैं एक दो और बता देती हूँ, ये देखें काफी सारे बन गए हैं, ये रेडीमेड भी बनाए हैं। बस इसको ऐसे करना है ऐसे तो ये फूलेगा। फिर ये देखें ये भी फूल गया, वो माशाल्लाह, ये भी देखें ये भी फूल गया। और मैंने इमली का पानी भी बना लिया था जिस तरह मैंने बचपन से खाया है, जो गोलगप्पो बाजार से इस्लामाबाद की मार्केट से एफसिक्स से मिलते थे, वो मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं और उनके मीठे गोलगप्पे भी होते हैं। वो मैं आपको दही के साथ अभी बनाना दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखें ये बन गया, ये माशा, ये देखें फूला है, ये देखें। और ये एक और इसको दबाना है ताकि ये फूले। ये देखें ये भी देखें, ओ माशाल्लाह, ये देखें ये भी बन गया। तो थोड़ा सा ऑयल भी गर्म है तो ये देखें अच्छी तरह से फूल रहे हैं ये सारे गोलगप्पे। इस तरह आप बना लें। ये मैंने अभी एक रोटी से बनाए हैं, ये देखें ये बन गया और फूल भी गया था। ये देखें हल्का सा इसको, वो ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना सा रहने में, बस ये परफेक्ट। और फिर इसको ये निकाल लें, ये इस तरह बन गए, काफी सारे बन गए। ये देखें ये
तो अभी मैं आपको असेंबल करना भी दिखाऊंगी। ये मैं इसको खट्टा पानी या उससे कैसे बता रहे, अभी और भी पड़े हैं तो ये मैं इसको इन लोगों काट लिए थे, फिर इसको और आपने फ्लैट करना है इनको। बस ये इतना ही, ये इतना ही, ये बस। और मैं ये दो मैं उठा लेती हूँ और मैं फिर अब ये फ्राई करने जा रही हूँ। इनको जो बाकी रह गए इनको ऐसे फ्राई करना है, ऐसे बस अब डाल दें और इसको ऐसे दबाएं और माशाल्लाह ये फूलते हैं। फिर अगर इनको दबाओ नहीं तो ये वो हो जाते हैं फ्लैट से। ये देखिए ऐसे इनको ऐसे ये करते जाना है। ये देखें ये ऐसे, ये देखें ऐसे चम्मच ये नहीं हिलाओ तो फिर ये वो हो जाते हैं। ऐसे इनको ऐसे करना है तो ये फूल जाएंगे सारे ऐसे। तो आज मैंने आपको दो तरीकों से स्टेप बाय स्टेप बताया। जो ऑयल को मीडियम हाई उसमें रखना है, ज्यादा तेज भी नहीं करना है और ज्यादा हल्का भी नहीं रहने देना है इनको, तो ये फिर अच्छे बनेंगे। और मैं आपको दो चार जो है रेडीमेड भी बना के बता देती हूँ। ऐसे इनको ऐसे यूं कर देना है तो ये भी देखें कितने अच्छे फूले हैं। ये ऐसे ये देखें ये भी इस तरह बन गए। ये देखें ये सारे देखें ये बना लिए मैंने, होममेड भी बनाए हैं। ये वाले मैंने अपने अपने आटे से बनाए हैं, ये वाले ये, और ये जो थे ये रेडीमेड, उसके साथ ये चीज़ें भी मिली थी। और ये देखें ये मीठे यहाँ पे जो मिलते हैं स्ट्रीट फूड में, वो मीठे गोलगप्पे होते हैं दही के साथ, दही बूंदी डाली है, छोले डाले हैं, और ये देखें चाट मसाला मैंने इसमें, और चाट मसाला वैसे भी रखा हुआ है। और ये खट्टा पानी, इसमें जस्ट क्यूमन सीड्स और कुटी लाल मिर्चें, और इमली के वो पल्प निकाल लिया था मैंने इसके, और खूब मैंने वो पानी डाला है, इसको ठंडा किया है। और ये देखें ये गोलगप्पे तैयार हैं। और इसके साथ ये देखिए ये सेव ये भी आप इसमें डाल के, इसमें मैंने चाट सी ये बना ली थी। ये मीठे गोलगप्पे हैं और ये खट्टा पानी भी बना लिया गोलगप्पे, और इसके सीड्स मैंने निकाल लिए थे। और ये चाट मसाले के साथ सर्व करें। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।